नमस्कार, मैं हूँ राहुल और स्वागत है आपको राहुल के अपने किचन में। और आज की रेसिपी बहुत ही दमदार और बहुत ही आसान है, जो कि आप घर घर में ज़रूर बना लेंगे। आज की रेसिपी है एग बिरयानी, जो कि काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी स्वादिष्ट है। और हाँ, कोशिश करेंगे कि हम अच्छे तरीके से बताएं और बहुत ही आसान तरीके से। तो पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, यानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। हम सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल लेंगे और कढ़ाई के अंदर डालेंगे। कढ़ाई हमने नॉन स्टिक यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई भी कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई यूज़ कर रहे तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और अंडे को आप ऑयल के अंदर फटाफट से डाल दें। याद रखिए, आपके जो ऑयल होंगे ना, वो पूरे अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, वरना क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि मेरे ऑयल हल्के से थोड़े गर्म कम थे, जिसकी वजह से वो कढ़ाई में चिपकने शुरू हो गए। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। और अंडे हल्के से लाइट सॉटे हो जाए ना, तो उसके ऊपर आप कश्मीरी मिर्च या टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर आप थोड़ा सा छिड़काव करें, और उसके बाद अच्छी तरीके से चला दें। चलाने के बाद फटाफट से एक छन्नी की मदद से या किसी भी चीज़ से आप उसे बाहर तुरंत निकाल लें। इससे क्या होगा कि आपके अंडे पे ज़्यादा हैवी कलर नहीं आएंगे, ठीक है। और उसकी जो स्किन है ना, वो ज़्यादा मोटी फ्राई नहीं हो पाएगी, सॉफ्ट सॉफ्ट रहेंगे। अब उसी तेल में हम क्या करेंगे, जो हमने लच्छेदार प्याज हमने काट के रखे थे स्लाइस स्लाइस, और सारे प्याज को हमने खोल के रखा था ना, तो वो हम इसके अंदर डालेंगे। प्याज हमने आपको 2 से 2.5 प्याज आपको लेना है, बिल्कुल मीडियम साइज़ का प्याज आप ले सकते हैं, ठीक है। और सारे प्याज को आप स्लाइस काटें, और स्लाइस काटने के बाद उसे सारे प्याज को हम खोल लें। खोलने के बाद इसको अच्छी तरीके से फ्राई करें, फ्लेम आपका हाई टू मीडियम रहेगा इस टाइमिंग पे। और अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद ही आप इसे निकालना है, इतना कि आपका जो प्याज है ना बिल्कुल सूख जाए, ठीक है। बिल्कुल जैसे पापड़ हम ही करते हैं, जैसे रोस्टेड पूरा रोस्ट हो जाए, उस तरीके से आपको प्याज को एकदम सुखा लेना अच्छी तरीके से, और साइड में कर देना, और एक छन्नी की मदद से वापस निकाल लेना, जिससे क्या होगा एक्स्ट्रा जितने भी ऑयल है ना, सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे, और आपका जो ड्राई ऑनियन है ना, ब्राउन ऑनियन, वो आपका सही सलामत बाहर निकल जाएगा। तो हमारा प्याज भी बिल्कुल भुन कर तैयार हो गया। अब इसी तेल में हम वापस से मसाले बनाएंगे, तब तक हम चावल बना लेते हैं। चावल बनाने के लिए हम पतीले में पानी लिए हैं, और पानी के अंदर थोड़ा सा 2 हम इलायची डालेंगे, हरी इलायची, लौंग डालेंगे, और 1 स्टार एनिस डालेंगे, और सैल्मन स्टिक डालेंगे, और ब्लैक जीरा डाल देंगे। इतना डालने के बाद 2 चम्मच इसमें आप मस्टर्ड ऑयल डालें, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फटाफट चावल को, हमने बासमती चावल लिया था जो कि काफ़ी बड़े होते हैं और पकने के बाद बहुत ही अच्छे दिखते हैं, और बासमती चावल यूज़ करने से पहले आप चावल को आधा घंटा के लिए पहले भिगो के रख दें। आधा घंटा अगर नहीं भिगोते हैं, तब कम से कम 10 से 15 मिनट जैसे भिगो के रखें, उसके बाद ही आप यूज करें। और चावल में हमेशा पकाने के टाइम पे, बिरयानी पकाने से पहले जब चावल बॉयल हो रहा है ना, उसी टाइम पे आप उसमें नमक डाल दें, एक्स्ट्रा नमक डाल दें, जितना चावल एब्जर्ब करने वाला होगा उतना एब्जर्ब करेगा, बाकी जो नमक है वो पानी के साथ बाहर निकल जाएंगे। और फिर हम प्याज को भूनेंगे फिर से मसाले के लिए। अब हम बनाएंगे ग्रेवी, और ग्रेवी हमें थिक ग्रेवी बनानी है, ठीक है, बिल्कुल रस्सेदार ग्रेवी नहीं बनानी, एकदम थिक गाढ़ी ग्रेवी बनेगी। थोड़े से प्याज में हम नमक डाल रहे हैं, क्योंकि प्याज काफ़ी आसानी से उबल जाए, बॉयल होंगे और जल्दी काम हो जाएगा, और हमारी गैस बहुत ही ज़्यादा बचने वाली है, ठीक है। तो हम प्याज को हम डाल दिया, और इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। मसाले में हमें क्या डालना है, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दें, उसको भी अच्छे से भून लें, ठीक है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट आप 2 से 3 चम्मच या 3 से 3.5 चम्मच आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लगभग आप आधे किलो चावल के बना रहे हैं, अगर 500 ग्राम आप चावल का बना रहे हैं बिरयानी, तब 2 से 3 से 3.5 चम्मच आप लहसुन गार्लिक यानी कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट आप यूज़ करेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च इसमें हम डालेंगे, ठीक है। और हमारा चावल जो है बिल्कुल बन के तैयार हो गया, ठीक है, देख सकते हैं। और जैसे आपको लगे कि आपका चावल 80% बन के बिल्कुल तैयार है, ठीक है, फटाफट से आप ठंडा पानी इसमें डालें, और डालने के बाद आप तुरंत सारे पानी को हम निकालें। ठंडा पानी डालने का वजह यह है कि आपकी जो चावल की कुकिंग है, जहाँ तक हुई है वहीं पर आपका कुकिंग स्टॉप हो जाएगा, आके ओवर कुक नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप बिरयानी बनाने जाएंगे और पता चला गीले चावल बन गए, ठीक है। तो ये काम आपको बहुत ही ध्यान और याद से करना, और उसके अंदर आपको मसाले के अंदर टमाटर यूज़ करना है। टमाटर हमने 1 टमाटर चॉप करके यूज़ किया है, उसके अंदर आप धनिया पाउडर डालें, और साथ ही बिरयानी मसाले डालें बढ़िया तरीके से, ठीक है। अगर आपको बिरयानी मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप कॉमेंट में बताएं, मैं ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगा। थोड़ा सा पानी डालें, थोड़ा सा नमक डालें, जिससे मसाले क्या गलेंगे बहुत जल्दी, और इसमें डालें हल्दी, टर्मरिक आप डालें, और अच्छे तरीके से आप इसको चला दें बढ़िया तरीके से।
चलाने के बाद आप इसको कवर कर करके पकाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हम कवर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम दही जो है, जो कर्ड है, हम दही को ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करें, जिससे क्या होगा कि हमें ढकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और आराम से धीरे धीरे मसाले पकते रहेंगे, भूनते रहेंगे और साथ में दही भी हमारी इसमें मिक्स होकर अच्छे तरीके से भुनाएंगे। दही को तब तक हमें भूनना है जब तक से दही अपना ऑयल को रिलीज ना कर दे, बिल्कुल उसी टाइम तक आपको दही और मसाले को दोनों को एक साथ भूनना है। देख सकते हैं हमारा जो मसाला ना बिल्कुल एकदम इतनी शाइनिंग मार रही है कि एकदम आपको लग रहा होगा देख के कि जो दही है अपना ऑयल को रिड्यूस कर दिया है, सॉरी रिलीज कर दिया है, ठीक है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा कोरिएंडर डालें और ये मिंट लीफ को डालें, पुदीना थोड़ा सा डालें और थोड़ी सी पानी, और पानी हम वो यूज़ कर रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे कि जिसमें हमने चावल को बॉयल किया था हम वही पानी को यूज़ करें, क्योंकि उस पानी में ना बहुत सारे फ्लेवर हैं और चावल से जितनी भी बेनिफिट वाली चीज़ है सब उस पानी के अंदर, इसलिए हम उसी पानी को ग्रेवी में भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको फुल पैसे वसूल करवाने हैं, ठीक है। अब अंडे वंडे डालकर आपको कवर कर देना बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, और तो कवर करने के बाद आपको 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे आपको करना है और अच्छी तरीके से ग्रेवी को पकाना है। आपकी जो ग्रेवी बिल्कुल बन के तैयार है तो फटाफट से आप एक डेगची लें या कोई बर्तन ले, ठीक है, उसके अंदर बनाना लीफ जो केले के पत्ते होते हैं ना उसे आप ज़रूर यूज़ करें। उससे क्या होगा कि आप बेस वाले जो आपके चावल होंगे, जो बिरयानी का लेयर होगा ना, वो जल्दी कड़क नहीं होंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और उसके ऊपर आप चावल को अच्छी तरीके से डाल दें, और डालने के बाद आप उसके ऊपर आप जो अंडे आपके अंडे मसाले हैं ना वो आप उसमें डालें, ठीक है। एक लेयर आप चावल डालें, एक लेयर आप अंडे डालें और उसके ऊपर वापस से फिर से चावल डालें। इससे क्या होगा कि जो बिरयानी की जो लेयर बनेगी, जो लेवल बनेगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार बनेगी। आप किसी भी कोने से बिरयानी निकालेंगे आपको टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल सेम आने वाला है। तो वापस हम मसाले और अंडे को चावल से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी हमें ऑनियन, जो हमने ब्राउन ऑनियन को रोस्ट किया था, जो फ्राई किया था ना, वो वाले ऑनियन को हमें अच्छी तरीके से डालना है इसके ऊपर। तो पहले हमें क्या करना, अंडे को इसके ऊपर अच्छे से फैला लेना है, ठीक है। आपको मसाले को चावल पे अच्छे से फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो क्योंकि वो बाद में अपने आप फैल जाते हैं, ठीक है। जब आप वापस इसको दम लगाएंगे ना, दम बिरयानी, क्योंकि आप दम बिरयानी बनाएंगे तो दम लगाना पड़ेगा आपको, तो उस टाइमिंग पे मसाले अपने आप जो है ना थोड़े चावल में फैल जाएंगे, और उसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑनियन लीव्स कह रहा हूँ कि जो रोस्ट आपने ऑनियन किया था, ब्राउन ऑनियन, उसका आप छिड़काव कर दें। उसके ऊपर थोड़ा सा बीटरूट को ग्रेट करें और बीटरूट का छिड़काव करें, उससे कलर काफ़ी अच्छा आता है और बहुत अट्रैक्टिव होता है। और वापस से हम मिंट और कोरिएंडर का छिड़काव करेंगे, और आपके पास अगर केसर नहीं है तो आप थोड़े से दूध में ना टर्मरिक पाउडर को घोल लें और घोल के मिला दें, क्योंकि हमें बिरयानी में कलर लाने से मतलब है, ठीक है, कलर बहुत ही बढ़िया शानदार आएगी। और फटाफट से गैस पे एक तवा लें, तवे के ऊपर गैस तवा को पूरा हीट कर दें आप हाई फ्लेम पे, और उसके ऊपर आप बिरयानी को रख दें और ऊपर से एक बर्तन रख दें। उसमें क्या होगा कि दम बिरयानी इतनी शानदार बनने वाली है ना कि आप सोच नहीं पाएंगे, और देखने के बाद आप कहेंगे वाओ इट्स अ ब्यूटीफुल, ठीक है। हम देख सकते हैं बिरयानी हमारी कितनी बढ़िया तरीके से एकदम फटफटेदार बनी हुई है। तो फटाफट से आप इस रेसिपी को ट्राई करिए, और एग का जो मैं अंडे की लाइट रोस्टिंग की जो मैं बात किया था ना, उसका रिजल्ट आपको यहाँ बताया कि देखिए कितने आसानी से नाइफ से ना बहुत ही सॉफ्टली कट हुआ है, लगा नहीं है कि ऊपर की जो लेयर है बहुत ज़्यादा फ्राई हो गया, बहुत ज़्यादा रोस्ट हो गया, मोटी लेयर नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप बना रहे हैं तो आपकी अंडे की बिरयानी बहुत ही ज़्यादा शानदार बनेगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और घर में सबको खिलाएं, और हाँ मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, और हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।